केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सोमवार से औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही काम होगा। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसमें कहा गया था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सेक्टर्स में आर्थिक गतिविधियां चालू की जाएंगी, और ऐसे में 20 अप्रैल से गोविंदपुरा और मंडीदीप की 40% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में काम शुरू हो जाएगा। हालांकि कर्मचारियों की संख्या रोजाना की अपेक्षा भी आधी ही रहेगी। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से चर्चा की है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई थी लॉकडाउन फेज टू के लिए, उसमें ये जिक्र किया गया था कि 20 अप्रैल के बाद ऐसी जगह, ऐसे ज़िले, ऐसे कस्बे जहां पर कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है, वहां पर कुछ रियायतें, कुछ लिमिटेड रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उन रिलैक्सेशन को लेकर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा भी कर रहे हैं, उद्योगपतियों से भी उनकी चर्चा हुई है। और अब 40% जो उद्योग है मंडीदीप और गोविंदपुरा में, उन्हें शुरू करने पर सहमति बनती नजर आ रही है।